छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी में लगातार 2 साल से अकाल हो रहा है, जिसके कारण लोग लगातार पलायन करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बांगरी गांव के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। हमारे गांव के लोग एक खुशहाल जीवन का सपना लेकर शहर जाते हैं, पर ये आदिवासी पढ़े लिखे ना होने के कारण शहर में बंधुआ मजदूर की तरह काम करने पर मजबूर होते हैं। का है जैसे अभी अंकाल पड़ गए तो अब कामे रोटी रोजी रोटी या नहीं मिले, ते कारण से उन कमाए वगैरह एक तरफ उनकी जड़े गांव से कट जाती है, वहीं दूसरे तरफ शहर में भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं। पलायन में ज्यादातर आदिवासी युवक अपने गांव छोड़कर शहर जाते हैं और गांव में उनके पीछे औरतें एवं बच्चे रह जाते हैं, जिनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरोबर पानी नहीं गिरे तो धान पानी हो तो लड़का मन है सब बाहर कमाए चल दिन पलायन चांदा नागपुर बलारसा बॉम्बे अपन रोजी रोटी बन। सरकार की जरूरत है कि ये स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं को लागू करें, क्योंकि जब तक स्थानीय रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तब तक पलायन को रोक पाना असंभव है। अगर पलायन जारी रहेगा तो गांव-गांव के लोग वीरान हो जाएंगे। फैमिन कोड एक कानून है। फैमिन कोड के अंतर्गत आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं दिया जाता है। अकाल होने पर एक कानून है, इस कानून के अंतर्गत उन लोगों को भोजन का अधिकार है, पीने के लिए शुद्ध पानी का अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन सरकार की कानून विफल होने के कारण आदिवासियों को अपने गांव से अपने घर से अपने परिवार से बाहर होना पड़ रहा है। मैं भानसाहू, इंडिया।